Hello, welcome to SP Commerce classes. Now, start करेंगे lecture number 4, liquidation का. Lecture number 4. Already हमने liquidation का एक सम देखा था, इसके पहले वाला liquidator का final statement का account, right? हम आगे बढ़ते हैं next sum पे. Now, क्वेश्चन नंबर 4 ऑलरेडी सम यहाँ पे लिखा हुआ है ना हमारे बुक का एन एफ का क्वेश्चन नंबर 10 एंड पेज नंबर 333 सम पढ़ लेते हैं पहले. एक्स वाई जेड लिमिटेड वेंट इनटू लिक्विडेशन ऑन 31/12/2015 द असेट्स रियलाइज्ड वेयर स्टॉक 1 लाख प्लांट 75,000 और कैश 625 ठीक है. लिक्विडेशन एक्सपेंसेस रुपीज 1375 क्रेडिटर्स है 90,000 का रुपीज 8,000 और प्रिफरेंशियल. अच्छा इसमें से 8,000 प्रिफरेंशियल है तो मैं ऐसा बोलूँ 90,000 में से 8,000 प्रिफरेंशियल है तो 82,000 क्या हो जाएगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स. 6% डिबेंचर्स इज 80,000 इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेड अप टू 31/12/2015 ये डेट तक का हमने क्या कर दिया है इंटरेस्ट पेड कर दिया और लिक्विडेशन हो रहा है 31/12/2015 इट मीन्स ये डेट से लेके ये डेट तक का हमें क्या देना बाकी है इंटरेस्ट. आगे देखते हैं रेमुनरेशन एट 3% ऑफ अमाउंट रियलाइज एक्सेप्ट कैश ठीक है फ्रॉम असेट्स एंड 2% ऑन द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एक्सक्लूडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स प्रिपेयर लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट. ओके जिसके पास सम नहीं है स्क्रीन को पॉज करके सम लिख लीजिएगा ठीक है. हम सम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4. हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है एनापुरे का पेज नंबर 333 क्वेश्चन नंबर 10. स्टेटमेंट ऑफ लिक्विडेटर फाइनल अकाउंट. चलो स्टार्ट करते हैं. जैसा कि हमने सब में ऑलरेडी देखा हुआ है ये साइड है हमारा असेट साइड राइट है ना. वो सब ऐसे जिसको हमने बेचा वो डेबिट में लिखेंगे और जिसको जिसको हम पैसे देंगे उसको यहां लिखेंगे. सबसे पहले पैसा जाएगा किसको लिक्विडेटर के एक्सपेंसेस या कमीशन को. दूसरा पैसा जाएगा किसको डिबेंचर्स को. फिर जाएगा किसको प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को. फिर जाएगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एंड में शेयर होल्डर्स को जाएगा. सबसे पहले हम असेट्स देखते हैं तो टू असेट्स. अगर असेट साइड की बात करें तो द असेट्स रियलाइज वेर स्टॉक 1 लाख रुपए का प्लांट 75,000 का और कैश है 625. मेरे पे तीन चीज ही है स्टॉक प्लांट और कैश. चलिए और ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है लाइब्रेटी में जो लिखा हुआ कि वो असेट्स गिरवी रखा हुआ है या उसके अगेंस्ट में सिक्योर्ड है. तो पूरा का पूरा लिखेंगे स्टॉक 1 लाख प्लांट 75,000 और कैश 625 रुपीस. चलिए सबको प्लस कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 1,75,625 रुपीस. ये आ गया हमारा असेट साइड में राइट. ये गया खत्म ये खत्म ये खत्म. लिक्विडेशन एक्सपेंसेस अच्छा चलिए पेमेंट करते हैं बाय लिक्विडेशन एक्सपेंसेस कितना है
1375, तो 1375 क्रेडिटर्स 90,000, 8,000 आर प्रिफरेंशियल इन 6% डिबेंचर 8,000, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेड अप टू 38,415। देखिए ये सब का पैसा हम तब देंगे जब तक लिक्विडेटर का पैसा क्लियर नहीं होता, तो ये तो लिक्विडेशन का एक्सपेंस हमने लिख दिया, बट नीचे देखो इन्फॉर्मेशन दिया है रेम्यूनरेशन एट 3% ऑफ अमाउंट रियलाइज एक्सेप्ट कैश, यानी कि लिक्विडेटर को रेम्यूनरेशन कितना देना है 3% ऑफ अमाउंट रियलाइज, कैश को छोड़ के जितने भी असेट्स हमने बेचे हैं कैश को छोड़ के, यानी ये दोनों को, इसके ऊपर उसको 3% पे करना है। चलिए वर्किंग में कर लेते हैं, तो रेम्यूनरेशन इज इक्वल टू जो जो असेट्स रियलाइज्ड हुए हैं, रियलाइज क्या क्या हुआ है, स्टॉक 1,00,000 रुपए का प्लस 75,000 का प्लांट, पूरा मिलाकर हो गया 1,75,000, और उसके ऊपर कितना परसेंट पे करना है 3%, तो इंटू 3%, चलिए सो 1,75,000 का 3% 5,250, यानी कि हमें देना है रेम्यूनरेशन बाय लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन 5,250। उसके बाद लिखा है 2% ऑन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अच्छा मतलब ये 3% तो देना देना है और साथ में 2% ऑन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एक्सक्लूडिंग प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स, यानी कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को हम जितना भी पैसा देंगे उसका कितना परसेंट 2% किसको देना है लिक्विडेटर को। अच्छा अब प्रॉब्लम यह है कि जब तक यहाँ का आंसर नहीं मिलेगा बाय लिक्विडेटर का, मान लीजिए 5,250 तो हमारा आ चुका आंसर प्लस एक अमाउंट और आना है, जब तक ये आंसर नहीं मिलेगा तब तक हम आगे नहीं कर सकते, और यहाँ जो आंसर आएगा उसके ऊपर 2% देना है, प्रॉब्लम ये है। चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं। चलिए तो पहले हम ये पता करते हैं कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पैसा मिलेगा कितना, फिर देखते हैं क्या आता है। हमारे पास पूरे पैसे कितने हैं 1,75,000, तो अमाउंट अवेलेबल हमारे पास अवेलेबल है 1,75,625, बराबर है, इसमें से लेस कर दीजिए लिक्विडेशन एक्सपेंसेस कितना 1,375, ठीक है, फिर माइनस कर दीजिए लिक्विडेशन का रेम्यूनरेशन जो हमने एक आंसर कैलकुलेट किया है 5,250, ठीक है। इसके बाद हम पैसा किसको देंगे, यहाँ पर एक आंसर आना बाकी है, जो आंसर हम यहाँ पे एक आंसर निकालने के लिए सब चीज़ें कर रहे हैं, और वो आंसर कैसे आएगा, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के अमाउंट के ऊपर 2% लेना है, ठीक है ना, इसके लिए हम सब माइनस कर देंगे, जो बच जाएगा वो किसको चला जाएगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को, ठीक है। सब देखते हैं लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन माइनस करने के बाद हम पैसा किसको देंगे प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स को, और सब में प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स कितना है 8,000। अच्छा यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है अनसिक्योर क्रेडिटर्स एक्सक्लूडिंग प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स, अच्छा तो प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स को नहीं लेंगे, तो ये आ जाएगा लेना पड़ेगा प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स 8,000, फिर हम पैसा देंगे डिबेंचर्स को, डिबेंचर्स कितने हैं सब में दिया है डिबेंचर 80,000, और लेस कर देंगे डिबेंचर का इंटरेस्ट, तो डिबेंचर का इंटरेस्ट कितना 80,000 पे 6%, 80,000 पे 6% कितने मंथ के लिए, अप्रैल से, अप्रैल छोड़ के मई से दिसंबर तक, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 8 मंथ के लिए, तो 8/12 80,000 इंटू 6% डिवाइड बाई 12 इंटू 8 3,200,
ये सब माइनस करने के बाद 175625 में से ये सब आंसर माइनस कर दीजिए। ₹77,800 किसको पे कर रहे हैं, करना पड़ेगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। मतलब हमारे पास जो पैसा बचेगा क्रेडिटर्स को देने के लिए वो कितना बचेगा, 77,800, क्योंकि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का अमाउंट ही कितना है, 90 में से 81 चले गए, 82,000 हमें किसको पे करना है, क्रेडिटर्स को। और 82,000 हमें देने के लिए हमारे पास पैसे कितने बचेंगे, 77,800। तो 77,800 किसका अमाउंट है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का 2% राइट है। तो अब हम ऐसा मान लेंगे कि ये अमाउंट में लिक्विडेटर का रेमुनरेशन इंक्लूडेड है। हमेशा जब भी हम सम करेंगे और ऐसा कुछ सम आएगा तो याद रखना ये 102 हो जाएगा, क्योंकि 2% किसका है, लिक्विडेटर का। इसके लिए 102 इंटू 2, तो 77,800 डिवाइड बाय 102 इंटू 2 इस नियर बाय 1525। तो 1525 रुपीज़ क्या आ जाएगा, लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन। तो ये आ जाएगा 1525, वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है ना, तो ये अनसिक्योर्ड जो हमने निकाला है ये आंसर हमें यहाँ पर मिल गया। ठीक है, याद रखना जो भी आंसर आएगा अगर ये 5 होता तो हम 105 इंटू 5 करते हैं, क्योंकि वो अमाउंट उसमें इंक्लूडेड है। तो 1525 चला जाएगा इसको, तो दोनों को प्लस कर देते हैं, 5250 प्लस 1525 6775 राइट। चलिए, अब ये हमारा लिक्विडेटर खत्म हो गया। अब तो सिंपल सा है, बस इसको हमें यहाँ पर रखना है और कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट पेमेंट जाएगा, पहले डिबेंचर को देते हैं। उस समय हम वॉकिंग कर रहे थे इसलिए हमने आगे पीछे लिख दिया। डिबेंचर को चला जाएगा 80,000, फिर बाय डिबेंचर इंटरेस्ट कितना, 3,200, फिर चला जाएगा बाय प्रिफ्रेंशियल क्रेडिटर कितना, 8,000, फिर आ जाएंगे बाय अनसिक्योर क्रेडिटर्स। अब जरा समझते हैं, ये अमाउंट में से इतना अमाउंट तो लिक्विडेटर ले लेगा, बराबर है। तो 77,800 में से 1525 लिक्विडेटर ले लेगा, तो अमाउंट कितना बचा, 77,800 माइनस 1525, तो ये बच गया 76275। ये आ जाएगा हमारा इसका आंसर 76275। देखिए कंडीशन क्या था, ये अमाउंट का 2% होना चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं, ये अमाउंट का क्या 2% ये अमाउंट आता है, देखिए आ रहा है 1525, क्लियर है। अगर इसका 2% ये नहीं आता तो ये रॉन्ग होता। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप ये अमाउंट पर 2% निकालेंगे तो 77,800 इंटू 2%, तो ये आंसर रॉन्ग आता, बराबर है। इसके लिए हमें ये अमाउंट पे लेना है, ध्यान रखिएगा हमेशा। चलो टैली करके देख लेते हैं, सम टैली हो रहा है या नहीं। ये तो आ गया 1,75,625, 1,375,6775, 80,000, 3,200, 8,000 एंड 76275। इस टैली हो गई है 1,75,625, क्लियर है। आप स्क्रीन पॉज करके सम लिख लीजिएगा, हम नेक्स्ट सम की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। द वैक्यूम लिमिटेड वेंट इन टू वॉलंटरी लिक्विडेशन ऑन 1/1/2016, विच डेट डिविडेंड ऑन प्रिफरेंसेस वेर इन अरियर्स फॉर 2 years। अच्छा, प्रिफरेंस का 2 साल का डिविडेंड अभी भी बैलेंस है। द सब्सक्राइबर कैपिटल ऑफ कंपनी कंसिस्ट ऑफ 40,006% प्रिफरेंसेस ऑफ ₹10 each, ठीक है, और 50,000 इक्विटीज ऑफ ₹10 each, ₹6 पेड। अच्छा, तो मतलब मैं ऐसा बोलूँ कि मेरे पास प्रिफरेंसेस है
40,000 सेस और 10 रुपये का आईक्यू 4 लाख रुपए का। 50,000 इक्विटी सेस है 10 रुपये के हिसाब से, लेकिन उन्होंने सिर्फ 6 रुपया ही हमें पेड किया है, तो याद रखना 6 रुपये ही पेड किया है। द असेट्स रियलाइज 3,50,000, द एक्सपेंसिस ऑफ लिक्विडेशन केम टू 9,800, लिक्विडेटर टू इज एंटाइटल टू अ रेम्यूनरेशन ऑफ 11,000 एंड अ कमीशन ऑफ 2.5% 2.5% ऑन द अमाउंट पेड टू द प्रिफरेंस शेयर होल्डर एज अ कैपिटल एंड डिविडेंट दैट लाइबिलिटी अमाउंट टू ₹20,000। ओके द लाइबिलिटी अमाउंट टू ₹20,000, प्रिपेयर अ लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ठीक है, सब लिख लीजिएगा आप लोग। चलो स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 5, हमने ऑलरेडी सम देख लिया हुआ है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, मेक द फॉर्मेट। इस क्वेश्चन नंबर 11, पेज नंबर है 334। चलिए स्टेटमेंट ऑफ लिक्विडेटर फाइनल अकाउंट। चलिए सम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने सम देखा, पहले हम ये साइड में असेट्स लिखेंगे, तो टू असेट्स, प्रेफरेंसेस इन अरेंज टू इयर्स। ओके द असेट्स रियलाइज 3,50,000, तो डायरेक्टली यहाँ पे लिखा होगा असेट्स रियलाइज 3,50,000, ये तो हमारा डायरेक्टली आंसर आ गया, डायरेक्ट यहाँ पे सम में दिया हुआ 3,50,000। ठीक है, ये हो गया। द एक्सपेंसिस ऑफ लिक्विडेशन, चलिए बाय लिक्विडेशन एक्सपेंसिस कितना 9,800 रुपये, ये भी हो गया। द लिक्विडेटर एंटाइटल टू अ रेम्यूनरेशन 11,000, ओके लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन है कितना 11,000। ठीक है, ये भी हो गया। एंड अ कमीशन 2.5%, अच्छा तो पहले बाय लिक्विडेटर का कमीशन पे करना पड़ेगा। ठीक है, और लिक्विडेटर का कमीशन कितना है ऑन अ कमीशन ऑफ 2.5% ऑन अमाउंट पेड टू द प्रिफरेंस शेयर होल्डर एज कैपिटल एंड डिविडेंड। मतलब प्रिफरेंस शेयर होल्डर को जो भी पेमेंट करना है उसका कितना परसेंट, 2.5%। ठीक है, पता कर लेते हैं, तो टू प्रिफरेंस शेयर होल्डर को हमें कितना पेमेंट करना है देखते हैं। सब में हमारे पास 40,000 शेयर्स है और एक शेयर कितने का 10 रुपये का, तो मैं ऐसा बोलूँ कि मुझे 4 लाख रुपीज पे करना है और प्लस प्रेफरेंस को देना है डिविडेंड। स्टार्टिंग में लिखा था कि 2 ईयर्स का डिविडेंड बैलेंस है, ठीक है, और आगे परसेंट भी दिया है, सो 4 लाख पे 6% 2 ईयर्स का, तो 4 लाख पे 6% 2 ईयर्स का, इट्स मीन्स 48,000। तो इसका मतलब पूरा कितना पेमेंट करना है प्रेफरेंस शेयर को, 4,48,000, और इसके ऊपर कितना परसेंट है उसका 2.5%, तो इंटू 4,48,000 इंटू 2.5% 11,200 रुपये। ये हम किसको पे करेंगे, लिक्विडेटर का कमीशन 11,200 रुपये। वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है, चलो लिक्विडेटर का सब हो गया, अब हम पैसे किसको पे करेंगे, लिक्विडेटर के बाद डिबेंचर होल्डर को, तो बाय देखते हैं, ये भी सब खत्म। हमारे पास डिबेंचर के नाम पे कुछ भी नहीं है, राइट है, तो हम पैसा किसको देंगे, लाइबिलिटीज को, प्रेफरेंशियल क्रेडिट्स भी नहीं है, तो डायरेक्टली पेमेंट जाएगा लाइबिलिटीज को, तो बाय लाइबिलिटीज, और लाइबिलिटीज है हमारे पास कितने की,
20,000 की। अच्छा ठीक है, ये भी खत्म। अब हमारे पास प्रिफरेंसेस, तो बाय प्रिफरेंस शेयर कैपिटल। देखते हैं जरा, जैसे शेयर होल्डर को पेमेंट देना होगा तो थोड़ा सा रुकिए। हमारे पास पैसे कितने हैं? 3,50,000। इसमें से 9,800 हमने लिक्विडेटर को दे दिया एक्सपेंस के नाम पे, फिर रेमुनेशन के नाम पे हमने उसको 11,000 दे दिए, कमीशन के नाम पे 11,200 दे दिए, और हमने लायबिलिटी पे कर दी 20,000। इसका मतलब आज के दिन पे मेरे पास पैसे कितने हैं? 2,98,000। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पेमेंट कितना करना है? 4 लाख रुपीज़। और साथ में उसको डिविडेंड भी देना है, यानी कि दो चीज़ पे करनी है इसको, 4 लाख और 48,000। चलिए ज़रा कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, अमाउंट अवेलेबल हमारे पास अवेलेबल था 3,50,000, उसमें से हमने पे कर दिया 9,800 रुपये प्लस 11,000 प्लस 11,200 प्लस 20,000, राइट है? ये सब अमाउंट हमने पेड कर दिया है, सबको प्लस कर लेते हैं। तो 9,800 प्लस 11,000 प्लस 11,200 और 20,000, यानी कि 52,000 का तो हमने पेमेंट कर दिया है। तो ये देने के बाद हमारे पास बच गए 2,98,000, बराबर है, बट लेस प्रिफरेंस शेयर होल्डर का पैसा, और प्रिफरेंस शेयर होल्डर को हमें पे करना है 4,48,000, तो लेस 4,48,000, 2,98,000 माइनस 4,48,000, यानी कि हमें 1,50,000 रुपए की जरूरत है, जो डेफिशिएंसी है। कितने की डेफिशिएंसी है? 1,50,000 रुपए की। अब ये 1,50,000 रुपए देगा कौन, राइट है? अब ये 1,50,000 रुपए का पेमेंट कौन करेगा? इक्विटी शेयर होल्डर। यानी 1,50,000 रुपए तो कम है ही है, अब हम बात करते हैं इक्विटी शेयर होल्डर के बारे में। तो इक्विटी शेयर होल्डर की बात करें, पहले से 1,50,000 रुपए कम पड़ रहे हैं हमें। इक्विटी शेयर होल्डर को कितने पैसे मिलने हैं? सब में देखिए लिखा 50,000 इक्विटी से 100 रुपये 6 इंच, यानी कि 50,000 × 6 रुपीज़, तो इनको पेमेंट कितना करना है? 3 लाख रुपीज़ का। तो 3 लाख रुपए इक्विटी शेयर होल्डर को देना बैलेंस है, और पहले से 1,50,000 रुपए की डेफिशिएंसी है। इट मीन्स पूरा मिला के 4,50,000 रुपए की क्या है? डेफिशिएंसी है, ठीक है ना? अब ये 4,50,000 रुपए का लॉस कौन बेयर करेगा? कंपनी के शेयर होल्डर्स। कौन से शेयर होल्डर? इक्विटी शेयर होल्डर। चलो 4,50,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, हमारे पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स है? 50,000, तो डिवाइड बाय 50,000। चलो 4,50,000 डिवाइड बाय 50,000, यानी कि एक शेयर होल्डर के ऊपर 9 रुपये का लॉस है, यानी एक शेयर होल्डर को 9 रुपया पे करना ही पड़ेगा। अच्छा, तो हमारे शेयर होल्डर ने कितना पे किया है? सिर्फ 6 रुपये। तो इक्विटी शेयर होल्डर से पैसा आएगा, देना नहीं है, क्या करेंगे हम उनसे पैसा लेंगे। क्यों? क्योंकि लॉस है 9 रुपये का, उन्होंने पे कितना किया? 6 रुपये, राइट है? तो ऐसे कितने लोग हैं? 50,000 लोग हैं जिनसे 9 रुपये का लॉस है और उन्होंने 6 रुपये पे किया है, यानी कि वो 3 रुपये मुझे और देंगे। 3 × 50,000, इट मीन्स इतने पैसे हमारे पास और आएंगे। आएंगे तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे, तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, या इक्विटी शेयर होल्डर भी लिख सकते हैं। कितना? 50,000 × 3 इस 1,50,000। वर्किंग नोट नंबर 2। पूरे चैप्टर में यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैं यहाँ बता रहा हूँ, ये आंसर निकालना, राइट है? कितना देना था और कितना ले रहे हैं ना, इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना पेमेंट करना पड़ेगा? पूरा 4,48,000। टैली करके देखते हैं, 3,50,000 प्लस 1,50,000 इज 5 लैक्स। यहाँ का ही प्लस कर लेते हैं, 9,800 प्लस 11,000, 11,200, 20,000, 4,48,000, हो गया टैली 5 लैक्स, राइट है? आप स्क्रीन पॉज करके सब लिख लीजिएगा, मतलब सॉल्यूशन लिख लीजिएगा।
राइट।